नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। इंदौर के समीप खंडवा रोड के भेरूघाट पर देर शाम एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दो मासूम सहित एक महिला और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिमरोल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। दरअसल हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरूघाट पर हुआ, जहां पर मोटरसाइकिल और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दो मासूम सहित भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर राहगीरों ने संभालने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल में आग लग जाने से मौजूद मृतक लोकेश पिता बालू बुरी तरह झुलस गए थे। परिजनों ने बताया कि घटना कल देर शाम की है। गांव मेंडल का रहने वाला लोकेश पिता बालू अपनी बहन पूजा पति सालग्राम 30 साल निवासी बागोदा सिमरोल अपने मासूम बच्चे दीपक कुमकुम 9 साल को लेकर अपने घर मेंडल जा रहा था। भेरूघाट में एक वाहन को ओवरटेक करने में सामने से प्याज भरकर आ रहे थे, पिकअप से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। फिलहाल मृतक शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर, मेरा छोटा भाई आया था बेन को लेने सिमरोल। क्या नाम उसका? लोकेश मकवान। अच्छा, तो बेन को लेकर इधर से जा रहा था सर, गांव जा रहा था मेरे यहाँ। तो रास्ते में सर भेरूघाट में इधर घाट उतरने के बाद इधर पिकअप का और गाड़ी का सामना एक्सीडेंट हुआ। तो ठुकाने से गाड़ी में भी आग लग गई और छोटे भाई की मौत हो गई, मेरी दीदी की मौत हो गई, उसके दो बच्चे थे वो भी शांत हो गए सर। क्या नाम है इन लोगों का? बहन का नाम पूजा और उसके लड़की का नाम है कुमकुम और भानेज का नाम है सर दीपक। और भाई का क्या नाम? लोकेश। भाई क्या काम करता? भाई खेती बाड़ी करता है सर। आपका नाम बता दो। राहुल मकवान है। कहाँ रहते आप लोग? मेंडल गाँव सर।